का मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जिसमें हम लोग रियल नंबर वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, एक्चुअली में फैक्टरी, जो भी मैंने अब आपको पढ़ा दिया है, हम उसके ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको आज कराने वाली हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ही आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, सॉरी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें कुछ क्वेश्चंस निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है, हमें यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी लेमा, टू फाइंड ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF ऑफ द नंबर 255 एंड 867। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है डैट हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करना है HCF इन दो नंबर्स का। सो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो बड़ा नंबर होता है हम उसे यहाँ लिखते हैं 267, और जो छोटा नंबर होता है हम उसे बाहर लिखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये अप्रॉक्स जाएगा हमारा 255, हमें अगर हम 3 बाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अप्रॉक्स आंसर आता है 36765। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसे माइनस करना है। सो माइनस करने के बाद आंसर बच जाता है 2102। ठीक है, अब क्या करना है, अगेन यू हैव टू पुट दिस नंबर इनसाइड। ठीक है, और सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। सो अप्रॉक्स आप लोग देख सकते हो, अगर हम लोग 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, आपको अगेन इसे माइनस करना है, और माइनस करने के बाद आंसर आ जाता है 51। नाउ यू हैव टू डू दिस अगेन 102। ठीक है, 102 को आप अगर 51 से डिवाइड करते हो तो एग्जैक्ट 2 टाइम्स में ये नंबर पूरा प्रॉपर डिवाइड हो जाता है, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, सॉरी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहीं पे आपका जो नंबर है वो मतलब एचसीएफ निकालने वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और आपके इस नंबर, इस जो नंबर है जो आपको दो नंबर दिए गए थे, इसका जो हमारा एचसीएफ है वो है 50। सो अगर हम लोग बात करें 255 एंड 867 का, हमें फाइंड करना था HCF। ठीक है, जो लास्ट नंबर होता है हम उसे एज अ HCF लिखते हैं, तो 51 हो गया इसका HCF। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, अब आ रही थी अगले क्वेश्चन की, मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चंस दे रही हूँ, बाकी आपको अपनी एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, और जैसे ही आप क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर लोगे, एंड यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंस कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। आप एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, चलो HCF का ले लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन है भाई, हमें निकालना है HCF 28 का, सॉरी 48 का, और निकालना है 60 का। अब आप सभी लोगों को पता है द प्रोसेस जिसे हम लोग बोलते हैं HCF निकालने का, जो प्रोसेस होता है वो। सो क्या करना है आपको, सबसे पहले 48 का निकाल लेते हैं। सबसे छोटा नंबर जो 48 को डिवाइड करेगा वो हमारा 2 है, और आंसर कितना आ जाएगा 24। अगेन सबसे छोटा नंबर जो 24 को डिवाइड करेगा वो 2 है, आंसर आ गया 12। अगेन सबसे छोटा नंबर जो 12 को डिवाइड करेगा वो है हमारा 2, आंसर आ गया 6। सबसे छोटा नंबर जो 6 को डिवाइड करेगा वो भी 2 है, और आंसर आ गया 3।
अब आपको पता है जो थ्री है उसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, एक तो वो खुद और दूसरा वन। सो ये हो गया कंप्लीट, 48 का निकाल लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब बारी आती है 60 का। सो वो सबसे छोटा नंबर जो कि 60 को डिवाइड करता है वो हमारा 2 है और आंसर आ जाएगा 30। वो सबसे छोटा नंबर जो 30 को डिवाइड कर सकता है वो हमारा फिर से 2 है, आंसर आ गया 15। सबसे छोटा नंबर जो कि 15 को डिवाइड कर सकता है वो है 3, 5 जा। और आपको पता है 5 या तो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। सो ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है HCF, ठीक है। सो अब हम निकालने वाले हैं HCF ऑफ नंबर है हमारे 48 एंड 60, ठीक है। तो सबसे पहले 48 के फैक्टर्स लिखिए, इज इट विजिबल? हाँ, तो सबसे पहले 48 के फैक्टर्स लिखने हैं, फटाफट से लिख दो। दो बारी सॉरी 2 जो है वो हमारा 4 टाइम्स आया है, उसके बाद एक लास्ट हमारे पास एक 3 बच गया है, ठीक है, इनटू 3 सॉरी। अब हम लिखने हैं 60 के। सो हमने देखा दो बारी जो है 2 रिपीट हुआ, यानी कि 2 इनटू 2 एंड 3 इनटू 5। अब क्या करना है, एक मिनट मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। अब हमें कॉमन नंबर्स को हाईलाइट करना है और एक ये 3। और HCF में क्या करते हैं हम लोग, HCF में हमें सारे के सारे कॉमन जितने भी मल्टीपल हैं, कॉमन जितने भी फैक्टर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 4, 4 3 कितना होता है 12, कितना आ गया आपका LCM 12। और अगर हम इसी नंबर का हमने HCF कैलकुलेट कर लिया, बट क्वेश्चन में अगर हमसे LCM पूछ लिया तो क्या करेंगे, LCM ऑफ 48 एंड 60। प्रोसेस तो सेम है फैक्टर्स निकालने का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, LCM वाला प्रोसेस फॉलो करना है। देखो 48 को हमें एज इट इज हमारे 4 टाइम आया है 2, एंड एक बार लास्ट बार आया हमारा 3, ठीक है। अब 60 की बारी आती है, सो 60 के हम लोग लिख लेते हैं फटाफट फैक्टर्स। दो बारी 2 रिपीट हुआ है और एक बारी 3 एंड एक बारी 5। अब LCM में क्या करना होता है, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको एज अ 1 रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो फटाफट से कॉमन फैक्टर्स निकाल लीजिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं LCM, ये दो नंबर्स का है, 48 का है और 60 का है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो कॉमन नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जितने नंबर्स बच गए उनको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। आपको इतने का मल्टीप्लीकेशन पता है 12 है, ठीक है, ये आया था यहाँ पे 12, ठीक है। सो 12 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्या आया है आपका इसका आंसर। अगर आप लोगों का आंसर भी मैच कर रहा है जो कि हमारा है 22 4 0, ठीक है, तो खुद को जरा क्लैपिंग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रहे हैं एंड आई कांट क्लैप फॉर यू ऑल गाइस, ठीक है। सो मैंने आपको ये दो पर्टिकुलर नंबर्स थे जिनके बेसिस पे मैंने आपको HCF भी निकालना सिखा दिया है और LCM भी निकालना सिखा दिया है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप होता है LCM निकालने का और HCF निकालने का वो हमेशा सेम ही होता है, ठीक है। बस आपको बस कैलकुलेशन में ही चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया तो आप फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, ठीक है। सो ये जो नंबर मैं आपको बता रही हूँ, यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द HCF
और एलसीएम दोनों निकाल लेते हैं हमें दोनों नंबर्स का, 2 5 0 और दूसरा नंबर है 6 8 0। ठीक है, अब आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से पता है, मैंने बहुत बारी समझा दिया है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। सो 8 5 0 के अगर हम फैक्टर्स निकालना शुरू करेंगे तो 2 जो है इस नंबर को सबसे पहली बार, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 850 को डिवाइड करता है, ठीक है, आंसर क्या देगा, 4 2 5। अब जो ये 4 2 5 है, ये एग्जैक्टली लास्ट में 5 है, तो आपको देख के पता चल रहा है ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 85। अगेन 5 से डिविजिबल है, आंसर कितना आ जाएगा, 17। और 17 क्या होता है, खुद से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होता है या फिर 1 से होगा, आंसर आ गया। ठीक है, अब बारी आती है 6 8 0 की। अब 6 8 0 के अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे छोटा नंबर जो 6 8 0 को हमारा डिवाइड करेगा वो है 2। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3 4 0। अब वो सबसे छोटा नंबर जो 3 4 0 को डिवाइड करेगा वो है हमारा 2। ठीक है, और आंसर क्या आ गया है हमारा, 1 7 0। अब 1 7 0 को वो सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड करेगा वो अगेन 2 है, और आंसर आ जाएगा हमारा 85। समझ रहे हो मैं कैसे करा रही हूँ। ठीक है, अब लास्ट में 85 है तो 5 से ही होगा, 17। ठीक है, और उसके बाद 17 जो है वो खुद से डिवाइड होता है, आ गया आंसर। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है HCF और LCM। ठीक है, देखो अब हम निकालते हैं पहले HCF। HCF किस दो नंबर्स का निकालना है, 850 एंड 680। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले आपको सारे के सारे फैक्टर्स लिखने होते हैं। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं 850 के सारे फैक्टर्स और 680 के सारे फैक्टर्स। ठीक है, 2 5 5 into 17 2 into 5 into 5 into 17। अब 680 के देखते हैं, तो 3 by 2 रिपीट हुआ है और देन 5 and 17, तो क्या 2 into 2 into 2 into 5 into 17। अब क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, सो कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लेते हैं। ये 2 कॉमन है, ये 5 कॉमन है हमारा, और ये 17 कॉमन है। तो HCF में क्या करना होता है, जितने भी कॉमन फैक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई करना होता है। सो कॉमन फैक्टर्स को हम लोग लिख देंगे 2 into 5 into 17। ठीक है, अब 2 into 5 into 17 जब हम करेंगे तो 2 5 का कितना होता है, 10 10 into 17, आंसर कितना आ गया, 170। ठीक है, अब LCM निकालना है तो LCM कैसे निकालते हैं, आपको पता है, एक मिनट मार्कर चेंज। तो LCM आपको पता है कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको एक बार ही मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए सबको भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम लोग LCM किसका निकाले, 850 का और 680 का। ठीक है, अब हम लोग पहले कॉमन वाले लिख लेते हैं, 2 into 5 into 17। अब जितने फैक्टर्स बच गए हैं जो कि कॉमन नहीं है, यानी कि 2, एक ये 2, एक ये और एक ये 5, into 2 into 2 and into 5। आपको पता है जो इतना नंबर है इसका भी हमने मल्टीप्लिकेशन निकाला था जो कि था 170। सो 170 into 2 into 2 into 5। अब फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका आंसर क्या आया है, जल्दी से। क्या आप लोगों का आंसर भी 3 4 0 0 आया है, 3 4 0 0? अगर आपका भी यही LCM आया है सो आप खुद के लिए थोड़ा सी क्लैपिंग कर लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपका आंसर सही आया है। अब फटाफट से जिसका आंसर गलत आया है, जिसको कोई भी डाउट हो तो क्या करना है, फटाफट से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि जब तक आप जो मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक
तक आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। आप लोग सोचोगे कि ठीक है ये जितने भी क्वेश्चंस हमें बुक में दिए गए हम इनको कर लेते हैं और हमारा काम पूरा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत हद तक जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। चलो ठीक है, अब एक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें फाइंड करना है भाई HCF कौन से प्रोसेस से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। नंबर्स है सपोज 255 और दूसरा नंबर क्या है 865, ठीक है। अभी भाई मार्कर चेंज करके फटाफट से सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो जो छोटा नंबर है उसे बाहर लिखना है और जो बड़ा नंबर है उसे अंदर लिखना है 865। अगर हम 255 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 765। माइनस कर दीजिए, बच गया 100। अब इस 255 को हम लोग अंदर लिखेंगे एंड 100 टूज 200 होते हैं, कितना बच गया 55। अब इस 100 को अंदर लिखिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम हमारे यहाँ पे 45। अब इस 55 को ब्रैकेट के अंदर लिखिए, 1 45 कितना बच गया है 10, ठीक है। अब इस 45 को अंदर लिख दीजिए ब्रैकेट के, बहुत सिंपल है, ठीक है। मतलब इतना इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को यू मिनटों में याद हो जाएगा। तो 10 फोर से कितना होता है 40, कितना बच गया 5 और ब्रैकेट के अंदर 10। इज इट विजिबल? हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है 10 बच गया। अब 2 5 2 से हमें सबको पता है कि 10 होता है, ठीक है, क्लास 4 सेकंड में सिखा दी जाती है 5 की टेबल। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई भी डाउट रहा होगा इस क्वेश्चन में। चलो ठीक है, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस था, ठीक है, काफी बारी हम लोगों ने जो है डिवाइड किया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो जब हम 255 को इंटू 3 टाइम्स करते हैं तो आंसर आता है 765। अब हम जैसे ही इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। अब ये 255 को हमने उठा के अंदर लिख दिया है, ठीक है, और अब 100 टू से कितना होता है 200, ठीक है। अब बच गया मेरे पास 55। अब इस 100 को उठा के अगेन हमने यहाँ लिख दिया 55 1 55, माइनस करा आंसर आ गया 45। अब इस 55 को उठाया और अंदर लिख दिया 45 1 45, कितना बच गया 10 बच गया। अब इस 45 को उठा के हमने फिर से जो है लिखा और उसके बाद आंसर बच गया हमारा 5 एंड देन व्हाट वी आर डू, हमने 10 को उठा के अंदर लिखा और 5 2 10 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बहुत इजी मेथड है। और HCF क्या निकल के आया है, 5 निकल आया हमारा HCF, ठीक है, इट्स दैट सिंपल। चलो ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि हम लोग लेने वाले हैं HCF वाला। और अगेन जैसे कि हमने हर एक क्वेश्चन में किया है, हम हर एक HCF और एक जो नंबर है उसका हम लोग HCF और LCM दोनों साथ साथ निकालेंगे, ठीक है। चलो सो आपका नंबर क्या है, पहला नंबर है 96 और दूसरा है 360। इन दोनों नंबर्स के हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग LCM भी निकालेंगे और हम लोग HCF भी निकालेंगे। तो सबसे पहले 96 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, उसके बाद 360 के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, और दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकाल के हम लोग अपना HCF निकाल लेंगे। तो 96 को सबसे कम जो छोटा नंबर डिवाइड करता है वो है हमारा 2 और आंसर आ जाएगा 48। अगेन 2 से डिवाइड होगा 24, फिर से 2 से डिवाइड होगा 12, फिर से 2 से होगा 6, एक बार और होगा 2 से 3 एंड एट लास्ट 3, ठीक है। कितनी बार 2 रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 रिपीट हुआ है। अब बारी आती है 360 के, तो देखो 2 से डिवाइड होगा आंसर कितना आ जाएगा 180, ठीक है, फिर से इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 90, एक बार फिर से 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ गया हमारा 45। अब इस 45 को तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 15। अब इस 15 को दोबारा से 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आ गया 5 और इस 5 को एट लास्ट फिर से डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब एक बार मार्कर का कलर चेंज कर लिया जाए और उसके बाद हम लोग निकालेंगे हमारा HCF, ठीक है।
देखो HCF निकालना है हमें इन दो नंबर्स का जो कि है 96 और 360। ठीक है, सबसे पहले 96 के फैक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद 360 के फैक्टर्स लिखेंगे। 96 के फैक्टर्स में 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2 रिपीट हुआ है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 और लास्ट में आया हमारा 3। 360 के में हमारे पास 3/2 रिपीट हुआ है, 2 बारी 3 हुआ है और 1 बारी 5 हुआ है। 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5। अब क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, देखो कॉमन फैक्टर्स क्या है, एक तो ये 2 कॉमन है और ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और एक ये लास्ट का हमारा 3 कॉमन है। ठीक है, अब HCF निकाल लेते हैं। HCF में क्या लिखना है, 1 2 3, 2 into 2 into 2 and into 3। ठीक है, अब बताओ जरा मुझे कैलकुलेट करके HCF का आंसर क्या है। वीडियो पॉज करके इससे पहले मैं लिखूं, लिख लिया, कमेंट कर दिया। अब देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है 24, कितना आ गया हमारे HCF 24। अब हम लोग निकालेंगे LCM, LCM भी हम इन्हीं दोनों नंबर का निकाल रहे हैं, 96 और 360 का। LCM निकालते वक्त सबसे पहले सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स लिख दीजिए एक बारी, उसके बाद बचे हुए सारे नंबर लिखने हमें। ठीक है, अब हमें पता है कि इतने नंबर को जस्ट अभी हमने मल्टीप्लाई किया था और आंसर कितना आया था हमारा 24। अब बाकी बचे हुए नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका आंसर क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों का और मेरा आंसर मैच कर रहा है तो आपको क्या करना है, अपने आप ने खुद से क्लैपिंग करनी है। और अगर आप लोगों का भी आंसर 1440 आ रहा है तो जोर से क्लैपिंग। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे गए थे कि जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, और जो आपके मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद अपने NCERT के सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लोगे तो आई एम गारंटिंग यू कि यहाँ तक जो मैंने इन दो लेक्चर्स में पढ़ाया है आपको यहाँ तक सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार फटाफट से जो सॉल्यूशन है इसे नोट डाउन कर लीजिए, जिन लोगों का गलत आया है तो एक बार करेक्शन जरूर कर लेना। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग हार्ड। ठीक है, और अपने पेरेंट्स को परेशान बिल्कुल मत करना, बिल्कुल फोकस होके आपको पढ़ना है।